मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 31 अक्टूबर 1984, वो तारीख जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा ही हत्या कर दी गई। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर चौराहे पर खड़ी थी कि देश की कमान किसे सौंपी जाए। हालांकि कांग्रेस में कई दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं की आपसी सहमति से राजीव गांधी के नाम का ऐलान हुआ और उन्हें उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे कि कैसे 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत का नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं दूसरी ओर क्यों जनता के निशाने पर आई थी राजीव गांधी की सरकार। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल में मौजूद राजीव गांधी को मां इंदिरा गांधी पर हुए हमले की जानकारी मिलती है। खबर सुनते ही वो दिल्ली रवाना हुए, लेकिन जब तक राजीव दिल्ली पहुंचे तब तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी का नाम आगे आया और इसके साथ ही देश को राजीव गांधी के रूप में मिले अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री। राजीव गांधी के शपथ ग्रहण के लगभग 2 महीने बाद फिर चुनावी बयार चली। यह चुनाव देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दरअसल चुनाव ऐसे समय में हुआ जब देश राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और सामाजिक तनाव के दौर से गुजर रहा था, और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने साल 1984 के अंत में ही चुनाव करवाने का निर्णय लिया। देश के 17 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही दिन चुनाव सम्पन्न हुए, लेकिन पंजाब और असम में मतदान नहीं हो सका। हालांकि इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 73A जोड़ी गई, जिसने चुनाव आयोग को पंजाब और असम में अलग अलग तरीके से और तारीखों पर चुनाव के संबंध में कदम उठाने की अनुमति दी। इसके साथ ही लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम 31 दिसंबर तक चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दिए गए थे। देखा जाए तो साल 1984 का चुनाव कई मायनों में खास रहा, जहां एक तरफ देश में कांग्रेस की लहर चली और पार्टी ने कुल 414 सीटें हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी अखाड़े में कई फिल्मी सितारे भी उतरे थे, जिसमें सदी के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। इन्होंने इलाहाबाद में पूर्व कांग्रेसी और वरिष्ठ नेता HN बहुगुणा को भारी मतों के अंतर से हराया। वहीं तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा में 30 सीटें जीतकर कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनी। यह पहला मौका था जब कोई क्षेत्रीय दल लोकसभा में विपक्षी पार्टी बनकर उभरा हो। वहीं मौजूदा समय में सरकार चलाने वाली भाजपा को 1984 के चुनाव में महज 2 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही देश प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। पंजाब और असम में विद्रोही स्वर को शांत करने के लिए साल 1985 में केंद्र सरकार ने पंजाब में राजीव लोंगोवाल समझौते और असम आंदोलन के नेताओं के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इसी बीच राजीव गांधी की सरकार पर बोफोर्स घोटाले का धब्बा लगा। दरअसल साल 1986 में भारतीय सेना के लिए हाविट्जर तोपों की आपूर्ति के लिए स्वीडिश हथियार निर्माता AB बोफोर्स के साथ 1,437 करोड़ रुपए का सौदा किया गया। वहीं इस सौदे के बाद 1987 में स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अनुबंध हासिल करने के लिए शीर्ष भारतीय राजनेताओं और रक्षा कर्मियों को रिश्वत दी थी। इस घोटाले ने 1980 के दशक के अंत में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस घोटाले की जांच CBI के हाथों सौंप दी गई थी। इसके अलावा अपने कार्यकाल में राजीव गांधी की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, जिससे 4 करोड़ से अधिक नए मतदाता जुड़े। साथ ही दल बदल विरोधी कानून, कंपनियों द्वारा राजनीतिक दान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन और राजनीतिक हितों के लिए धार्मिक संस्थानों और उनके धन का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून लाए गए। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी गांधी सरकार बोफोर्स घोटालों के चक्र से बाहर नहीं निकल पाई और 1989 के चुनावों में इसका सीधा प्रभाव पड़ा। 1984 की शानदार सफलता से गिरकर इस चुनाव में कांग्रेस को महज 197 सीटें हासिल हुई, जिसने फिर एक बार गैर कांग्रेसी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं 1989 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 से लेकर 26 नवंबर 1989 तक 3 चरणों में मतदान हुए, जिसमें करीब
62% जनता ने मतदान किया। जहां एक ओर कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई तो दूसरी तरफ जनता दल ने 143 सीटें जीती। इसके साथ ही 1984 में केवल 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस चुनाव में 85 सीटें हासिल की। परिणामों के बाद जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन ने सत्ता संभाली और 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही देवीलाल उनके उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता पार्टी की तरह यह गठबंधन भी आपसी विरोध के कारण कमजोर पड़ गया। इन सब के बीच 15 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की, जिसमें सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में विरोध तेज हुआ और भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अगली सरकार बनाने के लिए जनता दल के 64 सांसदों ने एक नया गुट बनाया, जिसे जनता दल सोशलिस्ट नाम दिया गया। इसका नेतृत्व चंद्रशेखर ने किया, जिन्होंने 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तथा देवीलाल उनके उप प्रधानमंत्री बने। वहीं चरण सिंह की तरह ही चंद्रशेखर सरकार को भी कांग्रेस ने बाहरी समर्थन दिया था, लेकिन आपसी मतभेद बढ़ने के कारण कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जहां एक ओर राजनीतिक दावपेच के बीच देश फिर चुनावी दंगल की ओर बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ 21 मई 1991 को राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो जानेंगे कि कैसे बिखरी राजनीति, चुनावी भंवर और अर्थव्यवस्था के गहरे संकट से भारत बाहर निकला। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।